बाबा का चेहरा ऐसा हो गया था कि कुछ भी बाकी नहीं बचा था। ख्याल अब तुम दोनों ठीक हो? जी बिल्कुल सर। शुक्रिया सर। क्या तुम लोग गेम खेल रहे थे? जी सर, ये गालिब ने मेरे लिए किया है। अपनी टांग की वजह से मैं बाहर तो खेलने जा नहीं सकता, तो उसने कहा कि घर पे ही खेल लेते हैं। हमारे पास उस इलाके की रिपोर्ट आ चुकी है। आप दोनों ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। आपने बहादुरी और मजाहिमत की अजीम मिसाल कायम की। आफरीन हो आप पर। जी शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। बैठे ना, आप खड़े क्यों कैप्टन? जब आप ड्यूटी पर वापस लौटेंगे तो हम एक शानदार तकरीब का इंतजाम करेंगे जिसमें आपको फौजी एजाज से नवाजा जाएगा। मुबारक हो आपको। जी सर, हमने बस अपने मुल्क के लिए अपनी ड्यूटी निभाई है। जी कैप्टन, बहुत शुक्रिया आपका। बैठे ना प्लीज कैप्टन। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं सर। नहीं कैप्टन। फिर ठीक है, मेरी नेक तमन्ना है, आप लोग आराम कीजिए। शुक्रिया। वैसे लड़कों, अपने घर को भी थोड़ा साफ कर लिया करो। कैसे रहते हो? सर, गालिब ज्यादातर घर संभालता है, मैं इसे समझा दूंगा। गालिब? नहीं, वो कैप्टन एमरे। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर ले। जी थैंक यू सर। ठीक है सर। हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं। ठीक है कैप्टन। उस वक्त तो बहराम की शक्ल देखने वाली हो रही थी। तुम लोगों ने सब मिस कर दिया, सब मिस कर दिया। ये बहुत ही खुशी की खबर है, तुम्हें बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे कमांडर भाई ने तो पूरी आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में। हद होती है। तो इसमें बुराई क्या है, खुशखबरी है, फैलने दो। क्यों सोच रहे हो इतना? सर, लड़की है या लड़का है? यार तुरान, तुम भी हद करते हो। अभी मालूम नहीं करवाया, बस दुआ करो सब खैरियत से हो। इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। वो दरअसल मैं सोच रहा था कि कहीं एरन पे इस बात का बुरा असर ना पड़े। खुदा इस बात का गवाह है कि हमने उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि वो कभी भी ऐसा कुछ समझे। ऐसी बातें मत करो प्लीज, अभी बड़ा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। क्यों खुद को परेशान कर रहे हो इन बातों से? दूसरी दफा बाप बनने जा रहे हो, खुश हो जाओ, इनको छोड़ो। सुन लिया तुमने? वैसे भी तुम तो प्रोफेशनल बाप हो, ठीक कह रहे हो ना? अटेंशन कैप्टन। यस सर। आपके यूनिट के दो मेंबर कम है, ठीक है ना? यस सर। तो कोई मसला तो नहीं आपको? नो सर। ठीक है, तवज्जो से सुने। हेलीकॉप्टर के जरिए आज जब मैं यहां से रवाना होऊंगा तो कुछ यूनिट्स का दौरा करूंगा जो साउथ ईस्ट रीजन का हिस्सा है। इस मुआयने में आप सभी मेरे साथ चल रहे हैं, अपनी तैयारी कर लें। सर, बाद में कोई ये शिकायत ना करे कि हमें सिर्फ मुश्किल टास्क दिए जाते हैं। देखें, आपके लिए आसान टास्क है, ठीक है? ठीक है, बैठ जाइए। हाँ बहराम जी, कहिए सर। हो सकता है तुम हमारे साथ ना हो। मैं समझा नहीं सर। जब से तुमने ये खबर सुनी है तुम्हारा दिमाग तो घर पर लगा रहेगा। नहीं सर, मैं साथ आना चाहूंगा। यार क्या मसला है, हद ही कर दिए तुमने तो। माफ करना, लेकिन सलाम है तुम्हें, सलाम है तुम्हें। पूरी दुनिया में खबर फैला दी यार। बहराम तुम पॉइंट पर हो, ठीक है? वो इसका निकनेम क्या था स्कूल में, याद है ना तुम्हें? निकम्मा। निकम्मा। बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है आप लोगों को देखकर, इंतहाई खुशी हुई मुझे।
कैप्टन इसे देखिए तो सही, ये कैसे अपनी ट्रेनिंग से भाग रहा है? अपनी ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ क्यों आ जाते हो? हाँ, लगता है इसे ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया है, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कमांडर, इसे देखो तो सही, कोई खास ऑपरेशन वाला सिपाही लगता है। मुराद जी, कहिए कैप्टन। क्या कहते हो, ट्रेनिंग देखने चलें? जी चलते हैं कैप्टन। मैं आपका मतलब नहीं समझा कैप्टन। इलियास, आज ट्रेनिंग हम करवाएंगे, चलो जाओ। सर देख कैसा मजाक है मेरे साथ। सोल्जर्स को बोल दो जाके। जैसा आप कहें सर। जल्दी तैयारी करो इलियास, जल्दी भागो और तैयारी करो इलियास। अरे सर रहम करें इस पे, ज्यादा ही हो गया। कोई बात नहीं, सीख जाएगा। आ जाइए सर, आए, अब आएगा मजा। सब समझ रहा हूँ तुरंग। तुम हर किसी को ये सब क्यों बताते फिर रहे हो? कितने पुशअप्स किए तुमने? तकरीबन 40 सर। 40? इलियास तुम मर्द हो या फिर औरत? 40 पुशअप्स? हम सिर्फ 5 पुशअप्स लगाएंगे, चलो जल्दी करो। सिर्फ 5 सर? हाँ 5 पुशअप्स। जी ठीक है सर। 1, 2, 3, 4, 4। तुरान क्या कहा तुमने, फिर से शुरू करें? जी सर फिर से। फिर से? 1, 2, 3, 4, 4। आज के बाद इलियास हमारे साये से भी दूर भाग। अरे सर अब बस भी करें, बेचारे के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। विराम कह रहा है तुम ठीक से पुशअप्स नहीं लगा रहे। 1। लेकिन वो अच्छा कर रहा है सर, उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। 2। ये खत्म करने के बाद तुमने मैदान में दौड़ना है पूरे 30 किलोमीटर, समझ गए तुम? चलो इलियास इसे जल्दी खत्म करो, शुरू करो। 1। जी समझ गया सर। 2। 3। 4। 4। सर और कितनी पुशअप्स करनी है? इलियास क्या आप तुम मुझसे सवाल करोगे? बिल्कुल नहीं सर। चलो फिर से शुरू करते हैं। 1। 2। बात सुनो मेरी। जी। मेरा परफ्यूम कहाँ रखा हुआ है? हद हो गई यार, आपका और मेरा अलग अलग परफ्यूम थोड़ी है। जब आपके पास था तब आपने दिल खोलकर इस्तेमाल किया ना उसे, तो अब मुझे करने दें। सरदार उन्हें जान से मार दूंगा मैं। वो खत्म हो जाएगा, मैं नहीं दे सकता। तुम्हें घर से निकाल दूंगा मैं। ठीक है दे रहा हूं, लेकिन 2 पफ से ज्यादा नहीं लगाने आपने, ठीक है? खत्म हो जाएगा। दिमाग खराब कर दिया, कैसे चलेगा ये? अरे खत्म हो जाएगा, देखिए मैंने 2 पफ का बोला था, इस तरीके से खत्म हो जाएगा ये। वापस दे यार। हद हो गई है यार, बहुत जल्दी में नहीं है आप? यकीन करो मैं परेशान हो गया था जब मुझे यह कहा गया कि मिशन शुरू होने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि वो कल है। आसी ऐसे मिलने जा रहे हैं, सही है ना? तुम्हें इससे मतलब? प्रोग्राम डिनर का मसला क्या है, क्यों सवाल करो? मैं जहां भी जाऊं। अच्छा ठीक है ठीक है, गौर से सुने। अच्छा ना, ठीक है ना, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लगी हुई हैं, जिसमें जॉम्बीज वाली भी हैं, थ्रिलर भी है उसमें, और ये तो आपको भी पता है मौके की मुनासिबत से थ्रिलर सबसे बेस्ट है। बस पर्दा हटने की देर है, उसके बाद एक जॉम्बी निकल कर आएगा और लोगों को डराना शुरू करेगा। उसके बाद मजा आएगा क्योंकि लोगों का दिल धक 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 करके धड़कने लगेगा, डर के मारे वो आपके करीब आएगी और करीब आएगी। इसीलिए कह रहा हूँ जॉम्बी सबसे बेस्ट मूवी आपके लिए, वही देख लें। इंतहाई फजूल हो तुम सरदार, सलाम कहिएगा मेरे से। मुराद जल्दी आओ, आसिया से मिलने गए ये,
पहले डिनर करेंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे। कमाल है यार। क्या ये पास्ता है मैडम? हाँ पास्ता है ये। ये तो बहुत कम है, कैप्टन कहान का इसे पेट नहीं भरेगा। कुबलाई मैंने उनके लिए खाना ऑर्डर किया है, खुद से कुछ बना रही हूँ बुद्धू। ठीक है आप बनाएं इसे, मेरा मतलब कबाब होना चाहिए था, कुछ गोश्त होना चाहिए था, वो ऐसी चीजें शौक से खाते। कुबलाई बातें कम करो, हमने तुलसी के पत्ते भी लेने हैं, चलो। वो ऐसी चीजें नहीं खाएंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें। बस करो कुबलाई, किसी सास की तरह पेश आ रहे हो, ये सब क्या है, हर चीज में दखल अंदाजी। ठीक है ये तो खाने के वक्त पता चलेगा। क्या कुछ कहा तुमने? मैंने कहा कि हमें उस तरफ चलना चाहिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। अंदर आओ ना। खुशबू आ रही है, क्या तुम खाना बना रही थी? मेरा मतलब है कि मैं कुछ कोशिश कर रही थी, अगर कामयाब हो सकी तो। मेरा मेन्यू कुछ ऐसा है कि इसमें पास्ता भी है और ट्यूना सैलेड भी है, तो हम कुछ भी खा सकते हैं। उम्मीद है कि तुम्हें सब अच्छा लगे। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर मैं कुबलाई की बात सुनती तो पॉट कबाब होते मेन्यू में, लेकिन मैंने पास्ता बना लिया। ठीक है, वैसे बुरा भी नहीं है। तो ठीक है फिर। मैंने कहा भी था उनसे कि जब तक कोई ऑपरेशन नहीं आ रहा तो थोड़े दिनों के लिए मुझे अपने घर जाने थे, मैं जाना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं। हाँ तो फिर उसने क्या कहा तुमसे? कहना क्या था, बस मेरा परफ्यूम लिया और उसको जाया करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उस लड़की। हाँ तो दोबारा परफ्यूम लगा लिया उसने। आह कागान। समझाया भी था मैंने लेकिन नहीं सुना। खैर खाने में क्या है आज? यकीनन अकेले में शादी की बात कर रहे होंगे वो लोग। वैसे वो इतने शरीफ नहीं है, शादी तो पहले ही कर ली होगी उन्होंने। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बनाया है खाने में? आ सरदार, मैं पहले इस बारे में बात कर चुकी हूँ, इसके बावजूद भी ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसे तो पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, पहले एक दूसरे को समझो फिर शादी की बात आगे बढ़ाओ ना। अरे ये सब तो बस कहने की बात है, आपको पता है ना वो कहाँ सुनते किसी की बात, मैंने समझाया भी था उनको। खैर खाने में क्या बनाया है? तो क्या वो दोनों एक साथ खाना खाने बाहर जाएंगे? अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ गए कहाँ नहीं, मैं यहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए आया था, और आप है कि सर घूम रहा है भूख से मेरा, सवाल पूछे जा रही हैं। हद होती है काकान। खाना दे दें। काकान अभी बनाया है मैंने ताजा ताजा, तुम्हें पसंद आएगा, चलो शुरू करो। बाबा के आखिरी अल्फाज बहुत ही बामायने थे मेरे लिए। वो हमेशा मुझसे एक ही बात कहा करते थे कि जिंदगी बहुत ही अजीब है। आसिया देखो, तुम पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो, इस सब के साथ ही तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, सुन रही हो? मैं गुजारूंगी, बिल्कुल गुजारूंगी, लेकिन पहले मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा और रोकर सुकून देना होगा खुद को। अपनी अम्मी को बताओ, वो कहाँ है? अम्मी वो एक अलग कहानी है, सब बताऊंगी तुम्हें, लेकिन उससे पहले हिम्मत पैदा कर लो। ठीक है,
कागान, देखो मैं अब अपनी जिंदगी में और उदास नहीं रहना चाहती हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे कोई बात जबरदस्ती मनवा रही हूँ। मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, मगर अब मैं अपनी जिंदगी में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। अब तन्हा नहीं रहना चाहती मैं, इस उदासी और वीरानी में मजीद नहीं रहना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे किसी के साथ की जरूरत है। सबकी जिंदगी एक ही जैसी है, हम अपनी जिंदगी में अकेले होते हैं, किसी साथी की जरूरत होती है, फिर कोई ऐसा हमारी जिंदगी में आता है जो हमारी उम्मीद बन जाता है, आपके साथ साथ चलता है, आप उसके साथ चलते हो, भरोसा नहीं कहां क्या हो जाए। ये जिंदगी बहुत छोटी है और मैंने, जानती हो ना कि मौत को बहुत करीब से देखा है कई बार, वो बहुत ही अलग एहसास है और उससे हमें जिंदगी की हकीकत और अहमियत का अंदाजा होता है। ये जो भी है इसकी वजह से बहुत संजीदा हूं मैं, अपनी जिंदगी को लेके बहुत संजीदा हो गया हूं, इसीलिए हर कदम उठाने से पहले संजीदगी से सोचता हूं। आसिया, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। हर चीज बहुत अच्छी थी, बहुत शुक्रिया। तुम कब तक यहां रहोगे? कुछ दिन तक नहीं होऊंगा, लेकिन रास्ते में रहेंगे हम दोनों। ठीक है, ठीक है। शब बखैर। शब बखैर। मैं देख रहा हूँ बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। ऐसा कुछ नहीं, लगता है खाना मजे का था कल, और पता है कल मैंने क्या चीजें खाई हैं जो कभी जिंदगी में नहीं खाई थी। हद हो गई है यार। ठीक है, बोलते जाओ। इंसानियत खत्म हो गई आपके अंदर, सारी की सारी। अटेंशन, कैप्टन चले रवाना हो। हम तैयार हैं सर। स्वाट टीम हेलीकॉप्टर में। पहले मार्टिन ब्रिज जाएंगे, फिर वहां से दो स्टेशन का दौरा करेंगे, उसके बाद एक बेस एरिया का भी। ठीक है, जैसे आप कहें सर। आइए वहां देखते हैं हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। हेडक्वार्टर से बाहर रहना अच्छा लगता है, लेकिन शायद मास्टर बहराम कुछ और सोचते हो। आप यकीनन घर पर रहना पसंद करेंगे, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल नहीं सर। माजरा चाहता हूं सर।
बाइंदर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो तुम मुझे? बोलो बात क्या है? मैंने कहा मॉप छोड़ दो, मॉप लगाना छोड़ो, अपने कपड़े साफ करो, कमांडर तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? मेरी बात सुनो, इस लहजे में मुझसे बात मत किया करो, वरना इसी डंडे से मारूंगा, वरना इसी डंडे से मारूंगा। मैंने कहा कमांडर आपको बुला रहे हैं, पीछे हटो, कमांडर आपको स्काउट से निकाल रहे हैं, बयंदर आप यहाँ से जा रहे हैं, आप यहाँ रहने के काबिल नहीं है, नहीं है आप रहने के काबिल। आपको पता है हर कोई यहाँ अपनी पार्टी मना रहा है, किसी ने भी आपको पार्टी में नहीं बुलाया, हर कोई बदजन है आपसे। आइए। बयंदर बेटा, आप हेडक्वार्टर रीजन जा रहे हैं, समझ गए मेरी बात? मैं करता हूं मतलब? मेरा मतलब है, ठीक है सर। देखो बयंदर बेटा, पूरी टीम तुम्हें फारिग करने के लिए काम कर रही है, मगर हम नाकाम है बेटा। हेडक्वार्टर जाओ और वहां से भागने की कोशिश ना करना, समझ गए बेटा? अपनी सर्विस को खत्म करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समझ गए? जी सर, समझ गया मैं। हेलीकॉप्टर के जरिए शाम में तुम्हें वहां भेज दूंगा, वहां आला दर्जे के फौजी होंगे, वहां बहुत एहतियात से रहना, मेरी एक बात याद रखना, वहां पर बिना इजाजत एक लफ्ज भी नहीं बोलना, समझ गए? जाओ और अपना सामान पैक करो। हम हेलीकॉप्टर से पहले बाबुल और फिर नौसेबिन जाएंगे, और नौसेबिन से बख्तरबंद के जरिए हेडक्वार्टर जाएंगे। हेडक्वार्टर में अपनी यूनिट तब्दील करने की आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है स्क्वाड्रन लीडर? जैसा कि मैंने आपको बताया नौसेबिन कमांडर। कैप्टन जरा एक सेकंड के लिए आइएगा। ठीक है, आप जारी रखिए। वहां पर हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे वहां? जो ऑर्डर्स मिलेंगे वही करना पड़ेगा, और क्या करेंगे? खुदा करे हर चीज ठीक रहे कैप्टन। इंशाल्लाह। वैसे मुझे तो ये सब ठीक लग रहा है। ठीक है, वैसे अगर आप मुझे इलाके का मुआयना करवा दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें फाइलों में रह जाती हैं, इसीलिए इलाके में जाने से हमें वो नजर आ सकती हैं। मुनासिब होगा कि आप हमारे दौरे का इंतजाम करवा दीजिए। जी कमांडर। उम्मीद है इसमें मुश्किल नहीं होगी। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। भाई अंदर, क्या बात है? ये बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? ओ, लगता है इस बार ये बैग लेकर भागेगा। लड़को, फजर कब है? फजर तू है, अब तो आ गए। तो ठीक है फिर, जल्दी करो यार। किसका इंतजार है?
गौर से सुनो सारे, यहां तफरी के लिए आए हैं हम। हमारी ख्वाहिश है कि जल्दी फ्री हो जाएं। बैठ जाए जाके। बताएं जैबिक किस किस को पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। हमारे लिए बजाओगे? जी हाँ सर, क्यों नहीं। सरदार, सरदार, मैंने हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको जल्दी छुट्टी मिल जाए। सुन कमांडर, दहशतगर्दों ने हमारा हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है। सरदार, मैंने फौजियों का हेलीकॉप्टर देखा और उसे देखते ही खत्म कर दिया।
जल्दी करो, सब ट्रक पर आ जाओ। कर्नल कोपोस और उनके क्रू कमांडर, उनके हेलीकॉप्टर को हिट किया गया है। हादसे के मकाम पर पहुंचो, हेलीकॉप्टर के पास कोई और ना पहुंच जाए उससे पहले ही अपना काम खत्म करो। होशियार, ऐसा नहीं करो मेरे साथ कोपोस, राब्ता करो मुझसे, मैं बेचैन हूं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। कपूर, तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते।